दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही थी और भारतीय सेना का अपमान कर रही थी, उसके बाद ऋचा चड्ढा को लोगों ने उसकी औकात दिखाई। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र तिवारी से मीडिया इंटरव्यू में पीओके पर सवाल पूछा गया था, तो उस पर लेफ्टिनेंट जनरल ने बोला कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो। इस पर ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का अपमान करते हुए बोली, गलवान से साए। उसके बाद एक्ट्रेस पर लोगों का आक्रोश टूट पड़ा। लोगों ने बोला कि आप उस गलवान की मजाक उड़ा रही है, जहां पर 20 भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, वो बलिदान जिसकी गौरव गाथा हम सुनते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऋचा चड्ढा भारतीय सेना का मजाक उड़ा चुकी है, आप खुद ही देख लीजिए। और अब लोगों ने उसकी आने वाली फिल्म फुकरे 3 को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्या ऋचा चड्ढा को माफ करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।